प्रज्ञानां शुभ्रतारयी स्थिरचर विकरा व्याप्य भिर्व्याप्य लोकान् भोक्ता भोगांस्तविष्टान् पुनरपि भीषणं भाषितान् कामजन्यान् विदित्वा सर्वान् विशेषान् स्वप्रीति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संज्ञातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्न दोस्मि। अथर्ववेदीय मार्दंड उपनिषद के अलग शांति नंबर चतुर्थ प्रकरण के ऊपर विचार चल रहा है। इस प्रकरण की शुरुआत में जो ये अभिप्राय है जो पहले प्रतिज्ञा करके आया था कि तब तक उत्तम सत्यम यत्र किंचित न जायते हम तो संपत्ति दिखाई दे रहे कैसे होगा उस विषय में दृष्टांत देने के लिए अपनी प्रतिज्ञा बात को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत के लिए अलग शांति प्रकरण आ गया। यहाँ पे शुरू कैसे करते हैं, पहले जो इसका उपदिष्ट है नारायण को प्रणाम करते हैं, फिर जो उपदिष्ट के स्पर्श जो उस योग को प्रणाम करते हैं, उसके बाद सिद्धांत तो कहते हैं कि आपने जिस वस्तु को शास्त्र ने कहा कि ये जन्म रहित है तो आप उसको जो है जन्म रहित ही मानना पड़ेगा, और जो कह करके फिर उससे ये पैदा होता है ये कहना ठीक है। इसलिए वो फिर इस प्रकार से पहले सत्कार्यवादी और असत्कार्यवादी को भिड़ा दिया। क्या किया पहले सत्कार्यवादी और असत्कार्यवादी को भिड़ा दिया। सत्कार्यवादी क्या बोलते हैं, सत से अथवा सत का उत्पत्ति है ना, वही से उत्पत्ति होती है। और असत्कार्यवादी बोलता है कि नहीं असत से उत्पत्ति होती है, असत सत से नहीं होता असत्चारी बोलते हैं, असत से नहीं होता सत से विद्यमान वस्तु। इस प्रकार से दोनों लड़ाई को बोल करते तब बोलते हैं दोनों वादियों के बीच में जो सामान्य सिद्धांत है कि इससे उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ये बोलते हैं इससे उत्पत्ति होना संभव नहीं था, इसीलिए बोलते हैं क्या उत्पत्ति होना संभव नहीं है। और प्रकृति अन्यथा भावना कथनचित भविष्य, जिसको जो प्रकृति है वो कभी भी मतलब विपरिणाम को प्राप्त नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। इसीलिए जो है जिसका जो प्रकृति शास्त्र ने लिखा है मूल तत्व की प्रकृति क्या है, जन्म रहित है तो कभी विपरीत नहीं हो सकता। प्रकृति किसको बोलते हैं, स्वाभाविक की सांसिद्ध की सहज अकृता चाह प्रकृति सा इति विज्ञेया स्वभाव जहाती आया थे यहाँ पे 10 नंबर से पहले, ठीक है ना। इस प्रकार सांख्यवादी और न्याय को सांख्य और योग दर्शन की जो सृष्टि की प्रक्रिया और न्याय को शिव दर्शन की जो सृष्टि की प्रक्रिया को घिरा दिया। घेरा देने के बाद वो सत्कार्यवादी असत्कार्य में लड़के फिर क्या निर्णय हुआ कि सृष्टि होना संभव नहीं है। तब कौन आया सामने, पूर्व मीमांसा दर्शन बता रहे, ये लोगों के सिद्धांत तो ऐसे ही है, हम आपको ठीक ठीक बताते हैं। क्या बता रहे, देखो धर्माधर्म से शरीर और शरीर से धर्माधर्म, हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला तुमने। तो कौन पहले है बोलो, जब इसमें कार्य कारण भाव मानते हो तो इसमें से कौन पहले निर्णय करो, वो तो बोलते क्यों धर्माधर्म से उत्पन्न होता है, धर्माधर्म कहाँ से है, शरीर से है, तो कौन पहले है। यदि आपको कार्य कारण भाव दिखाई दे रहा है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कौन है, अशक्ति परिज्ञानम अजाति परिदीपित। इस प्रकार यदि आपको कार्य कारण भाव दिखाई दे रहा है परंतु कौन पहले है ये नहीं समझ पा रहे, यानी कि ये जो है जन्म रहित स्थिति को ही प्रकाशित करते हैं अजाति परिदीपित। इस प्रकार से जो है आप वहाँ पर जो बोले थे कि हेतु से फल होते हैं फल से हेतु होते हैं, तुम तो ये बता नहीं पाओगे, अरे भाई तुम हमारे इसलिए तुम्हारा सिद्धांत में क्या हो जाएगा, जैसा पिता से पुत्र का जन्म हो तो उस प्रकार पुत्र से पिता का जन्म ऐसा मानना पड़ेगा तुमको। और फिर जो है क्या होता है कि यदि युगपत उत्पन्न होता है तो क्या होगा, दो शिव के बीच में जब संबंध नहीं होता ऐसा हो जाएगा, संबंध नहीं बता पाओगे। इस प्रकार से जो दोष दिए थे सब बोलते तुमने हमको छल करके दिया, हमारे सिद्धांत तो बीजापुर न्याय की तरह होता है, विजयपुर न्याय की तरह बड़ा होता था। विजयपुर न्याय तो अभी तक हमारे अंदर सिद्ध ही नहीं हुआ, सदा साध्य समय दृष्टान्त वो तो साध्य समय दृष्टान्त है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए ये जो है अपनी मतलब सिद्ध वस्तु को साध्य करने के लिए दृष्टान्त काम नहीं कर सकते, ऐसा करके और बाली की मत खंडन करने के बाद देखो भाई तुम भी वैदिक हो। अब फिर 6 प्रकार से विकल्प किया, कैसे स्वतो परतो उभयत और स्वत असत उभय,
बोलते हैं कि किसी भी प्रकार से सृष्टि होना संभव, अपने आप भी कुछ उत्पत्ति होना संभव नहीं है, दूसरे से भी उत्पन्न होना संभव नहीं है, और दोनों मिला करके भी होना संभव नहीं है, सत से भी ऐसा असत से भी ऐसा। जब ऐसा जब कह दिया तब बोलते हैं देखो भाई तुम भी वैदिक हो हम भी वैदिक है, तुम भी शास्त्र पढ़ते हम भी शास्त्र पढ़ते, आनंद शब्द को क्या करेंगे, तो हम शास्त्र तो बोलते हैं कि धर्म धर्म से कार्य कार्य शरीर उत्पन्न होता है और शरीर से जब फिर जो है धर्म धर्म होकर हमारी सृष्टि चलती है। बोलते हैं देखो अब अच्छी तरह समझ वहाँ पर क्या शब्द आया, आपने धर्म धर्म को भी अनादि बोला और संघात को भी अनादि, अदृष्ट व संघात दोनों ही अनादि है, बस यही तो इसका कहना है कि दोनों ही उत्पन्न नहीं हो सकते, प्रतिति मात्र अनादि मात्र क्या हो जाएगा उत्पत्ति नहीं, तुम अनादि मात्र अनादि कैसे चलता है ये बात नहीं है, अनादि मात्र का जो उत्पत्ति है आदि ना विद्यते जस्य ऐसा करके हमें बोले। तो ये देखिए आज हम लोग कहाँ शुरू करके 23 से शुरू होगा ना, तो देखो आपको उसकी रूपरेखा दे रहे हैं, वस्तु तो जन्म राहित्य हेत्वांतरम आह, वस्तुओं का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म नहीं होने के पीछे एक और हेतु को बताते हैं, और हेतु को बताते हैं श्लोक में, हेतु न जायते न देहे, हेतु न जायते न देहे, फलम चापि स्वभावतः, फलम चापि स्वभावतः, आदिर्न विद्यते यस्य, आदिर्न विद्यते यस्य, तस्य यादिर्न विद्यते, तस्य यादिर्न विद्यते, हेतुर्न जायते नादे, फलं चापि स्वभावतः, आदिर्न विद्यते यस्य, हेतु न जायते तस्मात् अनादित्वात्, अनादि इसका पंचमी एक वचन क्या है श्लोक ही ना, अनादि शब्द का पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, अनादि हरि हरे, इसी प्रकार मतलब अनादित्वा हेतु न जायते अनादित्वा, हेतु की उत्पत्ति नहीं होती, तुम सुने तुम खुद ही कहा कि अनादि है, इसलिए जिसको आदि नहीं है मतलब जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है तो जन्म कहाँ से होगा, इसलिए हेतु न जायते न फल, हम चाहे फल भी अनादि है इसलिए फल का उत्पत्ति नहीं होती, फल की उत्पत्ति नहीं होती, अथवा इसका विपरीत मतलब ये एक सामान्य अर्थ देखो, अनादेर फल अनादेर फलतः हेतु न जायते, अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती, जब तक उसके साथ इसका अन्वय नहीं है क्योंकि वहाँ पे पंचमी है फल, पर इधर ही तो आपको फल का अध्ययन करना पड़ेगा, अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती, पहले क्या है हेतु न जायते कस्मा अनादित्वात्, तथापि तथैव फलम भी न जायते कस्मा अनादित्वात्, नहीं स्वभाव से हो जाएगा, स्वभाव से तो तुम तो कारणवादी हो, तुम कारण के बिना कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तेल मनुष्य सिद्धांत है तुम स्वभाव उपाधि, तुमने स्वभाववादी होने तुम ये नहीं कह सकते, तुम ये नहीं कह सकते। सेकेंडली बोलते हैं फिर अनादे फलात हेतु न जायते, अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक इसी प्रकार अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं अरे समझ में दो प्रकार से अर्थ दिखा दो, मैं बात अपने आप लगा सकता हेतु न जायते हेतु न जा कस्मा अनादित्व, तथापि तथैव फलम भी न जायते कस्मा अनादित्व, ठीक इसी प्रकार से अनादेर फलात हेतु न जायते, इसी प्रकार अनादे हेतु हो फल न जायते फलम न जायते, इसी प्रकार क्योंकि एक सांख्यवादी ने क्या किया था अनादि माना किसको प्रकृति को, अभी लोग प्रथम लोग उत्पन्न होता है बोला, तो जब वो अनादि माना फिर कैसे होगा, इसलिए दोनों प्रकार से पहले हो गया कि हेतु की उत्पत्ति नहीं होता क्योंकि अनादि है, फल की उत्पत्ति नहीं होता क्योंकि अनादि है, फल मतलब जब तक आप फिर बोलेगा अनादि फल से क्या होता है हेतु की उत्पत्ति नहीं होता, अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होती, क्यों भाई इतना बड़ा इतना भयंकर स्टेटमेंट है, क्योंकि ये देखा कि आदि न विद्यते जस्य, जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता तस्य आदि न विद्यते, जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता उसकी उत्पत्ति नहीं होती, एक जगह पर आदि शब्द करते थे कारण, एक जगह पर आदि शब्द करते थे उत्पत्ति, यहाँ पे जो पहला आदि शब्द आदि ना भी मतलब जिसका कारण कोई कारण नहीं है, जिसका कारण नहीं होता उसका जन्म भी नहीं होता, आदि न विद्यते यस्य
तस जिसका कोई कारण नहीं, तस ही आदि मतलब उसको उत्पत्ति भी नहीं होती, उसको उत्पत्ति नहीं होता था, जन्म नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं टीका में, न अनाहदे फलात हेतु जायते। देखिए हम जब हमने जो सेकंड अर्थ किया, हम तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ क्या दिखाई दे रहा है मेरे को कि हेतु न जायते अनादित्वात। अब श्लोक में जो है ना अक्षर अधिक हो जाएगा, इसलिए पंचमी विभक्ति अनादि कर दिया। क्या बोलता है अनादे फलात, अनादे फलात हेतु न जायते। ठीक है, अनादि जन्म रहित फल से हेतु, क्योंकि वो जन्म रहित है, उस फल कैसे उत्पन्न होगा, अनादि फल हेतु कैसे उत्पन्न होगा, इसलिए होता है अनादे फलात हेतु न जायते। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं फलस अनादित्य तत् हेतु जन्म युक्त। जब आपने फल को अनादि कह दिया आपने, उससे किसी को उत्पत्ति हो जाए, मतलब देशमुख ने कहा कि प्रधान की अनुधान अनादि है, मतलब उसका उत्पत्ति नहीं होती। अब जो उत्पत्ति नहीं होता फिर वो उत्पत्ति हो जाता है, उनका रूप भी कैसे कह सकते हो। इसलिए बोलते हैं नहीं फलस अनादित्य, फल अनादि होने के कारण तत् हेतु जन्म, उससे जो हेतु की उत्पत्ति हो जाए, कहना युक्ति संगत नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तब सदा तक जन्म प्रसंग था, हमें से उत्पत्ति होता ही रहेगा, हमें से उत्पत्ति होता ही रहेगा, रुकेगा कौन उसको। इति अर्थ एवं आगे टीका में देखिए, फलम अपि न हेतु होर अनादेर जायते। इसी प्रकार फल भी अनादि हेतु से उत्पन्न नहीं होता, हेतु और पंचमी अनादि हेतु और न जायते, फल भी इसी प्रकार से अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होता, अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं फलम अपि न हेतु और अनादि जायते, फल भी जो है फल भी अनादि हेतु से इतना पंचमी है उसको उत्पत्ति नहीं हो सकता। दोष साम्य, आप दोनों पक्ष में दोष एक ही है, आप अनादि बोल रहे हो और उसको उसी की उत्पत्ति बोल रहे हैं, ये होना संभव नहीं है। इति आह फलम चापि स्वभावतः, ये जो यहाँ पे जो प्रतीक है ना, ये मूल का प्रतीक है। ठीक है, मैं जहाँ पे मूल दिखाई दे फलम चापि, तो आप बोलोगे नहीं नहीं अपने आप हो जाता है, बोलते तुम स्वभाववादी नहीं हो, तुम तो कारणवादी हो, तुम अपने आप ही बोलते हो, बिना कारण कुछ नहीं होता, तो फर्क तुम्हारे सिद्धांत में तो घटता नहीं है। अभी मकसद हर समय कार्य धर्म धर्म से फल उत्पन्न होता है, इसलिए धर्म धर्म कार्यों को संपादन करते हुए धर्म होता है, शास्त्रीय कर्मों को संपादन करते हुए धर्म को तो फल प्राप्त होता है। तुम तो कारण बात हो, बिना कारण कुछ नहीं होता, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि स्वभाव से हो जाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं ना भी स्वभावत निमित्तम अंतरेण फलम हेतुर्वा जायते, है ना, स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के ना फल उत्पन्न हो सकता है, नहीं उत्पन्न हो सकता है, ना भी स्वभावत अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, ये भी तुम नहीं कह सकते हो। क्यों, निमित्त अंतर ना फल है, तो निमित्त अंतर के बिना, है ना, एक बिना किसी निमित्त के ना फल उत्पन्न हो सकता है, नहीं उत्पन्न हो सकता, इसलिए न जाएगा। इस ये जो पूरा स्टेटमेंट है प्रतिज्ञा वाक्य, पूरा प्रतिज्ञा वाक्य के पीछे अपना हेतु दे रहा है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, अनादि फल से हेतु उत्पत्ति नहीं होता, अनादि हेतु से फल उत्पत्ति नहीं होता, अथवा अनादि हेतु का फल से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि अनादि है, इसी प्रकार अनादि फल का भी हेतु से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, अब जो बोलते हैं इस विषय में पूरा स्टेटमेंट के पीछे हेतु क्या है, अतत्र हेतु महा, इस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य पे हेतु क्या दे रहा है, आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते, जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता, जिसकी उत्पत्ति भी उस वस्तु की उत्पत्ति कारण नहीं होता, उस जन्म उसका जन्म भी नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, जन्म नहीं होता उसका, जिस वस्तु का कारण नहीं होता उसका जन्म भी नहीं होता। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे टीकाकार क्या बोलते हैं, कारण रहित जन्म अनुपलब्ध रहता, तो कहीं भी किसी का जन्म दिखाई दिया आपको, बिना कारण का तो जन्म होते कहीं भी नहीं दिखाई दिया, है ना, कारण रहित जिसका कोई कारण नहीं है, जन्म अनुपलब्ध है, कारण से रहित किसी वस्तु की जन्म उत्पत्ति होते नहीं दिखाई देती। इति आहति अर्थ इसका इंटरप्रेट वस्तु न वस्तु तो जन्म अभावे हित्वांतर पर तक श्लोक सूचयती, है ना, किसी भी वस्तु का, है ना, पारमार्थिक दृष्टि से वस्तु न हो वस्तु तो जन्म अभावे, जन्म अभाव के पीछे हेतुअंतर परत्तम, एक हेतुअंतर की बोधक श्लोक से सूचित, ये श्लोक उसको सूचित करते हैं, एक हेतुअंतर के बोधक श्लोक सूचित कर, मतलब ये बोधक है ये श्लोक, इसलोक क्या क्या इसमें बोधक है, वस्तु न वस्तु तो जन्म अभावे, किसी भी वस्तु का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म के अभाव के पीछे क्या है, एक हेतु दे रहा है, क्या हेतु है यहाँ पे,
क्या बताए? आदिर्ण विद्यते यस्य तस्य आदिर्ण विद्यते। तुमने तो हेतु और फल में कौन पहले तुम बता नहीं पाया, इसीलिए क्या इसी तुम्हारी सिद्धांत से हम ये निर्णय करते हैं उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ये है हमारा हेतु, आदिर्ण विद्यते यस्य तस्य आदिर्ण विद्यते। जिसके पीछे कोई कारण नहीं है उसकी उत्पत्ति होना, जन्म होना, उत्पत्ति होना संभव नहीं है, जन्म होना संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि वस्तु न वस्तु तो जन्म में भी हेत्वांतर पर श्लोक से सूचयति आभाष्यम्। अब जो है हमने उसको वहां पे तो हमने अपने आप ही हेतु दे दिया था, कौन से हेतु न जायते अनादित्वा, इसी प्रकार फलम चापी न जायते अनादित्व, यहाँ का जो हेतु दे देता सेकंड लाइन जो है सुपर प्लस हो जाएगा। इसीलिए भाष्यकार वाल्मीकि ने क्या किया, वो पहले भी पूरा प्रतिज्ञा वाक्य रखा है ना, इसीलिए अनादे फलात हेतु न जायते और अनादे हेतु फलम चापी न जायते स्वाभाविक स्वाभाविक हम अभी न भवत हो, दोनों ही नहीं हो सकते। ये तीन जो प्रतिज्ञा किया उसके पीछे हेतु क्या दिया, आदि जस्य न विद्यते तस्य हि आदि न विद्यते, जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, उसका जन्म भी नहीं होता, ये इसके ठीक है। हमने सामान्य रूप से श्लोक को स्पष्ट करने पर, अब मैं पीछे जब आपको प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु आ रहा है तो वहाँ पे वो अनादित्य का हेतु इसीलिए आनंद गिरी जी और आनंद अमीर इसने हमारे भगवान शंकराचार्य ने भी नहीं माना, सेकंड लाइन हेतु है। किंच हेतु फलयोर भाष्य में हेतु फलयोर अनादित्यम अभ्युपगच्छता तया, ठीक है ना, हमारे वेदांति पूर्व मीमांस दर्शन के बोल रहे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसका क्या शंका है कि भाई तुम भी वेदवादी हो हम भी वेदवादी है, वेद की अमर्यादा करना ठीक नहीं है, हम तो नास्तिक दर्शन नहीं है ना, तो तुम बताओ शास्त्र जब इस अनादि बोले इसका समाधान कैसे देंगे, तो समाधान कैसे देंगे, हम ही बता दिया तुमको, चिंता मत करो। किंच हेतु फलयोर अनादित्यम अभ्युपगच्छता तया, हेतु और फल दोनों अनादि है इस प्रकार मानने वाले आपके द्वारा बलाद हेतु फलयोर अजन्म एवं अभ्युपगतम, शायद बलपूर्वक आपको हेतु और फल दोनों ही जो है जन्म रहित है ऐसा ही मानने पर, क्यों कहता हूँ आप अनादि अनादि बोला आपने, अनादि नहीं है जो हेतु देखा, इसलिए किंच हेतु फलयोर अनादित्यम अभ्युपगच्छता तया, हेतु और फल दोनों ही अनादि है इस प्रकार मानने वाले आपके द्वारा बलात् बलपूर्वक निश्चित ही, मतलब आपको सिद्धांत ऐसे हेतु फल योग हेतु और फल दोनों का अजन्म एवं अभ्युपगतम शायद दोनों का जन्म होना संभव नहीं है ऐसे ही मानना पड़ेगा। बोलते खत्म क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बोलते इसलिए बोल रहा हूँ ये सिद्धांतवादी बोलता है, ये सिद्धांत भी पैसे पूछ रहे हो तब बोलते तुमको मानना पड़ेगा, तो क्यों मानना पड़ेगा, बोलते इसलिए मानना पड़ेगा अनादे आदि रहिता फलाद हेतु न जाए, ठीक है ना, आदि रहित कोई फल से हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता, आदि रहित किसी फल से तो उसका उत्पत्ति ना, अनादि आदि रहितात फलात हेतु न जायते, अनादि वस्तु से कोई वस्तु उत्पत्ति होना संभव नहीं है, न ही अनुत्पन्नात अजात, जिसको उत्पत्ति नहीं हुआ जो जन्म रहित इस प्रकार अनादि फलात इस प्रकार अनादि फल से हेतु हो जन्म न इष्यते तया, जन्म इष्यते तुम तो न यहाँ से आ गया है, लेकिन न ही अनुत्पन्नात अजात अनादिर फलात हेतो जन्म इष्यते तया, ये तुम्हारा भी अविष्ट नहीं है क्योंकि तुम जो कारणवादी हो, अनुत्पन्नात इसकी उत्पत्ति नहीं हुआ मतलब जो जन्म रहता है इस प्रकार अनादि फल से जिसको जन्म वहाँ पे हेतु हो जन्म हेतु का जन्म हो जाएगा, ये तुम्हारी भी अविष्ट नहीं है, ये तुम्हारा भी अविष्ट नहीं है, इष्यते तो ये तुम्हारा भी अविष्ट नहीं है क्योंकि तुम तो कारणवादी हो स्वाभाविक बात स्वभाववादी तो हो नहीं, तुम ठीक इसी प्रकार से फलम चाहमीमांसा कारणवादी है, हाँ वेदांत भी कारणवादी है, वेदांत भी कारणवादी है तो कार्य में असत्य मानते हैं, स्वाभाविक चार भाग स्वभाव से हो जाते हैं अपने आप हो जाते हैं समझ, तो बोलते हैं यहाँ पे नहीं वो अनुत्पन्न अजात अनादिर फलात हेतु जन्म इष्यते तया, फलम च आदि रहिता, इसी प्रकार से फल जो आदि से रहित है अनादि फल तो अनादि हो गया, हेतु हेतु का हेतु अजात तो उसको भी जन्म नहीं हो सकता, स्वभावतः एव
निर्निमित्तम जायते इति आप समाप्त हो जाए निमित्त रहित होकर के ये भी ना अभिवेकम मत ये भी तुम भी मानते नहीं हम भी नहीं मानते तुम भी नहीं मानते हम भी नहीं मानते इति ना अभिवेकम ऐसा नहीं माना जाता तस्मात् अनादित्तम अभ्युपगच्छता तया इस प्रकार हेतु और फल दोनों को अनादि मानने वाले आपके द्वारा हेतु फल अजन्म एव अभ्युपगम्यते हेतु और फल देखो तो आप वैदिक रहेगा कि नहीं रहेगा वेद बोलते हैं कर्म कार्य और कार्य का फल दोनों ही अनादि है हेतु तब जहाँ अनादि मतलब क्या है ये दोनों का उत्पत्ति होना संभव नहीं दोनों की उत्पत्ति होना ही संभव नहीं है तया हेतु फल अजन्म एव अभ्युपगम्यते इस प्रकार से हेतु और फल दोनों ही जन्म रही है ऐसा ही तुमको मानना तुम्हारे द्वारा माना जाता है माना जाएगा जस्मान आदि जो पहला आदि का अर्थ क्या कर दिया कारणम आदि पुल्लिंग बोलते कारण लिंग बोलते इसलिए आदि कारणम दोनों न विद्यते जस्य जिसका कोई कारण नहीं होता लोक व्यवहार में भी तस्य ही आदि आदि मतलब पूर्वोक्ता जाति न विद्यते पहले में आदि शब्द का अर्थ हो गया कारण दूसरे में आदि शब्द का अर्थ क्या दिया जाति आदि न विद्यते जस्य तस्य ही आदि न विद्यते यस्मात् आदि आदि मतलब कारण न विद्यते जस्य जिसका कोई कारण नहीं होता लोके तस्य ही आदि उस वस्तु का व्यक्ति का पूर्वोक्त अजाति जो पहले हमने समझा कर कहा उसको जन्म होना संभव नहीं है न विद्यते ऐसा निश्चय है यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी लिखे गए पूर्वोक्ता पूर्वोक्ता जाति न विद्यते जैसे हमने पहले कह कर क्या अनादित्य अभिमत हेतु फलयोर इति अर्थ मतलब दोनों ही अनादि है कौन हेतु और फल और फिर दोनों उत्पत्ति होते हैं अरे तो विरुद्ध कथन हो जाएगा इसलिए अनादित्य अभिमत जो आपके अभी हमारे सिद्धांत से पूछा है कि परमात्मा अनादि है अथवा आत्मा अनादि है मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए बोलते हैं अनादित्य अभिमत हेतु अनादित्य अभिमत हेतु फलयो हेतु और फल दोनों अनादि है इस प्रकार मानने वाले के लिए क्या हो जाएगा दोनों के अजन्मते सिद्ध होते हैं जन्म सिद्ध नहीं हो सकता कारणवत एव ही आदि अभ्युपगम्यते न अकारणवत कारण वाला व्यक्ति का ही जन्म होता है बिना कारण से किसी का जन्म होना संभव उत्पत्ति होना संभव नहीं कारणवत कारण वाले का एव ही आदि अभ्युपगम्यते उसी का ही जो है यह आदि ये माना जाता है कारणवत मतलब जिस प्रकार मृत्यु का हो गया कारण खड़ा उत्पत्ति के लिए तो क्या हो जाएगा कारण वाला मृत्यु का जो होता है वो घड़ा किया जाएगा कारण वाला होगा क्या कारण मृत्यु का कारण वाला घड़ा की उत्पत्ति है तो इसलिए बोलते हैं कारणवत एव ही आदि अभ्युपगम्यते जिसका कारण है उसका तो आदि है उत्पत्ति ऐसा माना जाता है और जब तुमने यहाँ पे धर्म धर्म और शरीर दोनों को अनादि मान तो इसको उत्पत्ति नहीं है यही सिद्धांत होना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति यही सिद्धांत मानते हैं अभ्युपगम्य न अनाकारवत जिसका कोई आकार नहीं है उसका उसका जो कारणवत ये आदि अभ्युपगम्यते न अकारणवत इसका कोई कारण नहीं है अकारणवत जिसका कोई कारण नहीं है उसका उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है चार नंबर टिप्पणी अकारणवत मतलब न कारणवत जिसका कोई कारण नहीं है कि तस्मात स्वभाववाद न युक्त इसलिए अब स्वभाववाद कहना भी युक्ति संगत नहीं है कि तो हम भी नहीं मानते आप भी नहीं मानते इसलिए इस प्रकार से जो है भाष्य प्रसिद्ध है इसमें तो क्या हो गया ये जो है यहाँ पे पूर्व मीमांसा दर्शन के साथ जो विवाद चल रहा था उसके आगे संदर्भ हो गया अब जो है वो बौद्ध को लेकर कब शुरू करेगा बौद्ध वादी को लेकर के शुरू करेगा है ना तो यहाँ पे पूर्व मीमांसा दर्शन जो बोल रहे थे हेतु बोलो तो ये तो वेदवादी वाला मानते नहीं है और ये तो पूर्व हमारा बौद्ध दर्शन वेद को नहीं मानते हैं फल धर्माचरण से पूर्ण होता है पूर्ण से सुख मिलता है फिर अच्छा शरीर मिलता है ये सब उनका भी मान्यता नहीं है उनकी ये सब कल्पना है ये सब बौद्धिक है इस प्रकार में इसलिए यहाँ पे जो है उसका ये सबसे बड़ी मान्यों का कार्यकार ये अच्छा काम किया क्या काम किया अपना सिद्धांत से नहीं करते वो जो आपस में जो लड़ाई करता है वो लड़ाई उठा लिया यहाँ देखो यहाँ पे इस व्यक्ति से ऐसे लगता है इसलिए हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि बचने में लड़ाई के बचने में मत करो जन्म हुआ ही नहीं सामान्य बात इससे जो है सिद्ध हो जाता है बोलते कारणवत ए वही आदि अभ्युपगम्यते कारण वाला का ही आदि मतलब जन्म होना संभव है न कारणवत जिसका कोई कारण नहीं है उसका जन्म होना संभव नहीं है हम देखिए इसको टीका करते हैं टीकाकार बोल रहे हैं यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे वस्तु न वस्तु तो जन्मावे हेतु श्लोक से सूचय अब देखिए टीका
हेत्वांतरम एवं दर्शयितुं प्रथमं प्रतिज्ञां करोति। एक अलग हेतु है, सृष्टि होना संभव नहीं है, है ना। तो इस प्रकार इस हेतु को दिखाने के लिए पहले क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हेत्वांतरम एवं दर्शयितुं, हेत्वांतर को दिखाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ पे व्याकरण सूत्र में कहीं मैं केवल समाकर्षात तत्तु समन्वयात, केवल इतना ही मात्र हेतु कहेंगे, परंतु उसके पीछे प्रतिज्ञा आपको पहले से आ रहा है। सूत्र स्वदर्शनम परम सूत्रांतर अनुवर्तनीय, सूत्रांतरात अनुवर्तनीय, सूत्र में जो शब्द नहीं दिखाई देते यहाँ भी ऐसे ही है, केवल हेतु कहीं पर कह दिया तो आपको प्रतिज्ञा आपको पहले बताना पड़ेगा। आगे पीछे नहीं देखते तो प्रतिज्ञा आपको प्रतिज्ञा कर, मैं अब ये कहने जा रहा हूँ। इसलिए हमें बोलता है हेत्वांतरम एवं दर्शयितुं, एक अलग हेतु को दिखाने के लिए ही प्रथम हम प्रतिज्ञा करोगी, पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि ये देखो स्थिति ऐसी है, इसलिए कि क्या हुआ, जिसके पीछे भी कारण नहीं होता इसको उत्पत्ति होना संभव नहीं है। श्रुति ये कहती है क्या, जन्मा धर्माधर्म भी अनादि है और संघात भी अनादि है, इसलिए जो है ये दोनों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अकल्पित नहीं है। इसको लेकर यहाँ पे देखिए आगे बोलते हैं हेत्वांतरम एवं दर्शयितुं प्रथम प्रतिज्ञा करोगी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, किंच किंच हो गया था उसके बाद यहाँ पे हेतु फलयोर अनादित्व अभ्युपगच्छता तैयारी, यहाँ पे ना हेतु और फल को अनादि मानने वाले आपके द्वारा हेतु फलयोर अनादित्व बलाद हेतु फलयोर अभ्युपगतम बल पूर्वगत हेतु और फल दोनों ही अनादि है, जन्म रहित है, ऐसे मानना पड़ेगा। थोड़ा समस्या समय हमने तो बोला था फलाद हेतु जायते ततश्च फलम, फल से हेतु की उत्पत्ति होती है, हेतु से फल की उत्पत्ति होती है, ततस्य फलम मतलब हेतु हो फलम, फलात हेतोर जायते, फलात पंचमी है, हेतु प्रथम है, फल से हेतु की उत्पत्ति होती है, तब कह रहे ततस्य फलम मतलब हेतु से फिर फल का, तथा मतलब हेतु हो फलम इति अभ्युपगतम अभ्युपगमा, इस प्रकार तुम्हारी मान्यता होने के कारण कथम अजन्म अभ्युपगत, इसलिए जन्म होना संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है, इति पृच्छति, इसी को मन में रखते पूछते हैं कथम, कैसे नहीं हो सकता है, क्या प्रतिज्ञा किया वहाँ पे, हेतु न जायते नादे फलम चाहिए समाप्त, ये जब प्रतिज्ञा किया उसके पीछे जो हेतु देने क्या आदि न विद्यते यसे तस्य ही आदि न विद्यते, कुछ भी आप बोलते हैं कि फला हेतु न जायते ततस्य फलमिति अभ्युपगमात, कथम अजन्म अभ्युपगतम, दोनों में जन्म रहित है ये कैसे हो सकता है, पृच्छति इसी मन में रखते कथम करेगा, कथम अनादेर आदि रहितात् फलात् हेतु न जायते, आदि रहित हेतु से फल की उत्पत्ति, आदि रहित हेतु से अथवा आदि रहित फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं हो सकता, अनादेर आदि रहितात् फलात् आदि रहित फल से हेतु न जायते, हेतु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये कैसे बोल रहे हैं। तब देखिए जी कहता लिखते हैं वहाँ पे न जायते, तो बोलते हैं तत्र आद्योपाद अक्षर योजनाया परिहरति, इस विषय में कैसे जन्म होना संभव नहीं है, तो श्लोक की आद्योपाद क्या है, पहला पाद हेतु न जायते नादे, मतलब अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती, अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती है, ये प्रतिज्ञा यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं तत्र आद्यम पाद अक्षर योजनाया परिहरति, शंकर परिहार करते हैं, परिहरति क्या परिहार करते हैं, तो देखो यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं, चार नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, परिहरति प्रश्न बीज भूतां आशंका परिहरति, प्रश्न के बीज भूत जो आशंका, आशंका क्या है कि क्यों नहीं उत्पत्ति हो सकती, क्यों नहीं जन्म हो सकता है, इस पर लेकर तो उसको परिहार करते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ पे कि अनादि, जो अनादि होता है जो हेतु यही है कि अनादि होने के कारण अनादित्व आदि अभिप्राय है, यहाँ पे बोलता है अनादि परिहरते अनादि, यहाँ पे अनादि आदि रहिता फलात हेतु न जायते, कथम के बाद अनादि आदि रहिता फलात हेतु न जायते, ठीक है, एक ही हमारी मुख्य सिद्धांत यही है, ठीक है ना। तत्र आद्यपाद अक्षर योजनाया परिहरति अनादि, जो आद्यपाद के हेतु न जायते नादे, ये पहला पाद है, किसी बोलता है अनादिर आदि रहिता फला आदि रहित फल से, मतलब जिसके कोई विकार नहीं होता इस प्रकार फल से हेतु न जायते, हेतु की उत्पत्ति नहीं हो सकता, आदि रहित फल से हेतु की उनको विद्यमान ही नहीं है, यह अभिप्राय से बोलते हेतु न जायते,
तदेव उपपादयति, तदेव मतलब अनादि वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, उसी को प्रतिपादन करके दिखाते हैं। तदेव उपपादयति, उसी को प्रतिपादन करके दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, नहीं अनुत्पन्नात् अजात अनादिर फलात् हेतुर जन्म इष्यते तया, ठीक है ना, एक बोलते हैं अभी कि तदेव मतलब ये जो जन्म अनादि से जन्म होना संभव नहीं है अथवा अनादि का जन्म होना संभव नहीं है, इसी को प्रतिपादन करके दिखाते हैं। तदेव उपपादयति प्रति अतः युक्तिपूर्वक समझाते हैं, नहीं अनुत्पन्ना अजात जो उत्पत्ति नहीं हुआ, जो जन्म रहित है, अनादे फला अनादि जो फल अनुत्पन्ना अजात अनादे फला चरम पंचमी है, अनुत्पन्ना अजात अनादे फला है ना, इस फल से हेतु जन्म इष्यते तया, जन्म न इष्यते तया, तुम्हारे द्वारा भी इसकी जन्म तो नहीं माना जाता, न पहले से आ रहे हैं न तुम भी इसको नहीं मानते। अब यहाँ पे हेतु हो गया धर्माधर्म, फल हो गया कार्य कारण संघात, उसी को बोलते हैं फल कार्य कारण संघात हेतु धर्मादि, ठीक है ना, जो पहले से बोल कर है उसी को लेकर फल कार्य कारण संघात और हेतु धर्मादि धर्म धर्मादि फल च अपि इति भाव विभजते, उसके आगे जो है फल च अपि इस भाग को विभाजन करके दिखाते हैं, इस भाग को अलग करके देखो, फलम च आदि रहिता अनादे हेतु, चारों देखिए आदि रहिता पंचमी वचन अनादे हेतु अजा, विचार पंचमी है, इससे फलम न उत्पद्यते, उसका उसी का जो अनुवृत्त है फलम न उत्पद्यते, आदि रहिता अनादे हेतु अजा जो जन्म नहीं चलते उससे फल की उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यह पे जो है धर्म धर्म फलम च अपि इति भागम विभाजन, द्वितीय पद की ऐसा व्याख्या कर दिया, फलम च आदि रहिता अनादि हेतु अजात न उत्पद्यते, यहाँ हो गया। फिर तब बोलते हैं अजात जायते इति न अभ्युपगम्यते इति संबंध, ठीक है ना, ये जो वहाँ पे ऊपर पहले से आया था ना, अजात जायते इति न अभ्युपगम्यते, जन्म रहित से पैदा होता है ये तुम्हारे द्वारा भी नहीं माना जाता, न अभ्युपगम्यते त्वया, हम भी नहीं मानते तुम भी नहीं मानते, अजात जायते इति न अभ्युपगम्यते त्वया इति संबंध, अजात न जायते न पीछे है और न जायते ये जायते ये आगे है, जिसको अन्याय करके न अभ्युपगम्यते तुम भी नहीं मानते इति संबंध, ऐसा अन्याय होगा, ठीक है भाई। अब क्या बचा आपके पास, स्वभाव से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बोलते स्वभावत इति पदम जो जयती, उजलास में ना वहाँ पर पहले श्लोक के पहले आधा भाग में हेतु न जायते ना दे फलम चापि स्वभावत, तो हेतु न जायते ना दे एक बार हो गया, फलम चापि ठीक उसी प्रकार से फलम फल की उत्पत्ति नहीं हो सकते, अब क्या आया स्वभावत, तो यहाँ पे स्वभाव को लेकर तो अपने आप हो जाएगा, बोलते ये भी नहीं स्वभावत इति पदम जो जयति, स्वभावत एव स्वभावत एव तिर्निमित्तम जायते इति ना अभ्युपगम्यते, तो तुम भी हम भी दोनों ही नहीं मानते, हम तो बिना कारण के कुछ उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, ऐसा हमारी मानना है। तो स्वभावत जब इस प्रकार प्रतिज्ञा बाबू को पुष्ट कर दिया तो फलम निगमयति, उसका उससे निष्कर्ष क्या निकला, उसी को जो है उपसंहार करते हैं, तस्मात अनादित्तम अभ्युपगच्छता तया, इसलिए आपके द्वारा माना गया है अनादि, किसको हेतु अथवा दोनों का, ठीक है ना, अनादित्त तस्मात अनादित्तम अभ्युपगच्छता तया, अनादि दोनों है हेतु फल, इस प्रकार मानने वाले आपके द्वारा हेतु फल अजन्मे अभ्युपगम्यते, मतलब हेतु और फल दोनों के होना जन्म संभव नहीं है, यही मानना मजबूर से मानना ही पड़ेगा इसको, अजा चाहिए बिना अभ्युपगम्यते संबंध, स्वभावत इति पदम जो जयति, स्वभावत एवं निर्निमित्त जायते, स्वभाव जो जयति न अभ्युपगम्यते, ये भी तुम्हारे द्वारा मान्यता नहीं है, तस्मात अनादित्तम अभ्युपगच्छता तया हेतु फलयोर अजन्म एव अभ्युपगम्यते, फल उपनिगमिष्य तस्मात तस्मात अनादित्तम अभ्युपगच्छते, अनादि मानने वाले आपके द्वारा हेतु फलयोर जन्म एक हेतु और फल की जन्म नहीं तो ही पुष्ट होता है। अच्छा अब देखिए टीका में आगे बोलते हैं, तस्मात न हेतु फलयो जन्मवतो अनादित्तम अभ्युपगन्तुं शक्य,
हेतु और फल जन्म भी है और अनादि भी है, ये नहीं बोला जा सकते। चाहे हेतु हो चाहे फल हो, अब क्या बोलोगे, उसका जन्म भी है और अनादि भी है, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए बोलते हैं कि नौ वाला कहते हैं हेतु फलयोर जन्म वतो हो, हेतु और फल जो दोनों जन्म वाला है, अनादितम अभ्युगत तो न शक्य हो, फिर अनादि भी है इस प्रकार से मान नहीं सकते हो, है ना। ये मुख्य सिद्धांत है। अभ्युगमेतु अजन्म एव तयोर आकस्मिक सैदी, यदि ऐसा मानोगे तो अजन्म कहना आकस्मिक मनमर्जी कहना हो जाएगा, छह नंबर टिप्पण आकस्मिक अतर्कित तब अभिमतम अपनी बलात् आपत्ति, इसलिए जो तर्क से नहीं तो क्या तब तुम्हारा जो अनभिमतम जो तुम नहीं चाहते हो वो तुमको बलपूर्वक मानना पड़ेगा। अतर्कितम तब अनभिमतम अपनी बलात् जो स्वभाव से अपने आप होता है, तो जो ऐसा मानते तो हमारे बिल्कुल जो कितने का आलोचना करने की मुझे नहीं मानना चाहे तो हम बोलते अपने आप होता है, अतर्कितम तर्क के तरह युक्ति के तरह सिद्ध नहीं होना, है ना। इस प्रकार के जो सिद्धांतों को भी आपको मानना पड़ेगा। यदि आप आकस्मिकत्व को मानोगे तो आकस्मिकत्व मानोगे अपने आप हटा हो जाता है, यदि ऐसा मानोगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जो मान्यता नहीं है उसको भी मान्यता मानना पड़ेगा तुमको, ये दोष आ जाएगा। फलम जो अनादि रहता अनादि हेतु अजा स्वभावत एवं निर्निमित्त जायते बिना अभ्युपगम्यते तस्मा, तो यहाँ पे जो है न हेतु फलयोर जन्मवत और अनादित्यम अभ्युपगंतुम शक्य, अभ्युगम हेतु अजन्म एव तयोर आकस्मिक मानोगे तो अजन्म, छह नंबर टिप्पणी अतर्कितम तब अभिमतम अभी बला आपत्ति, तो अपने आप आ जाएगा आकस्मिकत्व आ जाएगा उसमें भी। स्वभाववाद निराकरणम प्रतिज्ञातम उत्तरार्थम अवश्यम भिन्न प्रतिपादयति, स्वभाव बाद निराकरण स्वभाव बात को जो निराकरण कर दिया प्रतिज्ञा तो उसको जो प्रतिज्ञा कहता उत्तरार्थ अवस्थान, उत्तरार्थ क्या है, स्वभाव से कुछ नहीं होता, कारण से कार्य उत्पत्ति होते स्वभाव से नहीं होता, इसके व्याख्यान के माध्यम से स्वभाव बात भी खंडन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि स्वभाव बाद निराकरण स्वभाव बात का जो निराकरण प्रतिज्ञा तो भी प्रतिज्ञा कहता है उत्तरार्ध अवस्थान श्लोक के अगला आधा भाग को माध्यम करके उसको प्रतिपादन करते हैं। क्या मतलब, दशमास आदि कारण ना भी देते, क्योंकि जिसकी आदि कारण नहीं होता उसकी उत्पत्ति भी, आदि मतलब कारण नहीं होता, जिसकी कारण नहीं होती उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। आदि अद्भुत अभिभगम अभ्युभगम हेतु जन्म एव तय आकस्मिक अर्थ आकस्मिक मानना पड़ेगा आपको। स्वभाववाद निराकरण प्रतिज्ञम उत्तरार्थम अवश्यम बने प्रतिपादयति जस्मात् कहते बोल दिए। बस इस प्रकार से हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन के साथ जो भी वाद विवाद चल रहा था उसको प्रसंहार कर दिया। बहुत दुआ दिखाई दे वो तो बोलते, इसीलिए तो वेद जो है मान्य नहीं है, क्योंकि वो अपने मर्जी से बोलते रहते, इधर बोलेंगे अनादि इधर बोलेंगे जन्म भी होता है, एक ऐसे मानने से थोड़ी होता है वेदवादी होता है। इसलिए पूर्व मीमांसा दर्शन ने वेद को ही नित्य मान लिया, सृष्टि को भी नित्य मान लिया, क्योंकि नित्य क्या सोचता है कि पौरुषेयत्व की हानि हो जाएगा, ऐसा उनकी मतलब भावना कर दी। अब इस समय जो विज्ञानवादी उस समय कर्मकांडी और विज्ञानवादी दोनोंवादी मुख्य थे, अब विज्ञानवादी बैठ करके अभी तक वेदांति के साथ इसका सुन रहे हैं। अब विज्ञानवादी बौद्धों के उनके सिद्धांत है, उनमें से चार बात है, सौत्रांतिक वैभाषिक आपका क्षणिक विज्ञान विज्ञानवाद और शून्यवाद, परंतु यहाँ भी विज्ञान क्षणिक है बुद्धि क्षणिक है, ये तो चारों वादी की मान्यता है। उत्पत्ति के विषय में कोई कहता है बाहरी वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, कोई कहता है बाहरी वस्तु अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, कोई कहता है कि बाहरी वस्तु है नहीं केवल विज्ञान उसमें पति भी होते हैं, कोई कहता है कोई कारण नहीं है वो उससे ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, शून्यवाद ऐसा बोलते हैं। तो अब जो है पूर्व मीमांसा दर्शन की सिद्धांत श्रोत्रांतिक वैभाषिक वैभाषिक लोग क्या है, सूर्य बाहरी वस्तु तो मानते हैं, बाहरी वस्तु एक प्रत्यक्ष और प्रमाण के द्वारा मानते हैं, एक अनुमान के द्वारा मानते हैं, मतलब बाहरी वस्तु को मानते हैं, और एक विज्ञानवादी बोल तो बाहरी वस्तु को मानते नहीं है, बाहर है वो सारा बुद्धि में विज्ञान में ही है ऐसा मानते हैं, सारा विज्ञान में ऐसा मानते हैं। और जो है शून्यवाद क्या कहते हैं, नहीं नहीं सब शून्य से ही हो जाता है। अब जो है इसको लेकर के तो अभी तक शून्य थी, अब जो है बाहरी अस्तित्व वाली वादी बोल रहे अच्छे बताओ इतने लड़ते हैं, जरा सोच करके बोलो, तुम भी तो सोच करके बोलो, क्या
अब ज्ञान यदि अकेला रहेगा, ये बौद्धवादी और शूद्र हमारा सिद्धांत पक्ष वेदांत सुन जाएगा, इसका ये चारों ही बौद्धवादी, चारों ही बौद्धवादी, शोत्रांतिक वैभाषिक और मध्यंतिक, उसको बोलते हैं विज्ञानवाद और शून्यवाद। वो क्या बोलते हैं कि भाई एक बात ही बोलते हैं, सारा विज्ञान ही विज्ञान है, बाहरी कोई वस्तु है नहीं, बुद्धि में सब बैठे हुए हैं और बुद्धि बुद्धि को जानते हैं, गड़बड़ों के मामले में कर्म करते दोष है। और एक बात वो बात इतना शोत्रांतिक वैभाषिक बोलते हैं, ए समझ करके बोला कर, यदि केवल ज्ञान होगा, ज्ञान तो आकार नहीं था, तो एक ही प्रकार की ज्ञान होगा, तो हमें घट ज्ञान हुआ, पट ज्ञान हुआ, मट ज्ञान हुआ, फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, इतने ज्ञान में भिन्नता तो कहाँ से आया, यानी कि तो बाहर कोई वस्तु है, बाहरी कोई वस्तु है, मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान में भिन्नता तो कहाँ से होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है बताओ, यदि बाहरी वस्तु नहीं होता तो आम लग जाए शरीर में, हाय चला दवाई करते, अगर ठंडा लग गया, सुख दुख होता है, तो सुख दुख के निमित्त यदि बाहर नहीं होगा, सुख दुख की अनुभूति कैसे होगी, इसीलिए जो है आपको बाहर वस्तु मानना पड़ेगा, अलग अलग वस्तु से किसी से सुख किसी से दुख होता है, इसलिए दो हिंदू लेके बात है। दो हिंदू से क्या सिद्ध करेंगे कि बाहरी वस्तु होना अनिवार्य है, क्योंकि बाहरी अर्थ के बिना प्रत्यय में विचित्रता होना संभव नहीं है। प्रत्यय मतलब बुद्धि कॉग्निशन थॉट्स, इसमें विचित्रता जो दिखाई पड़ता है, घट घट चिंतन करते हैं, मठ चिंतन पट चिंतन करते हैं, इसके पीछे बाहरी वस्तु हो तब जाके होना संभव है। दूसरी बात क्या है कि यदि बाहरी वस्तु नहीं है तो किसी को सुख दुख संक्लेश मतलब दुख अग्नि से गर्मी अथवा वायु से ठंडा, बर्फ से ठंडा, ये सब में बोध होता है, यानी कि वायु अथवा अग्नि नामक वस्तु अथवा बर्फ अथवा अग्नि नामक वस्तु बाहर है, तभी जाकर के हमको ठंडा गर्मी लगना संभव है। इसलिए इन दोनों कारण से मतलब बाह्यतम बिना प्रत्यय वैचित्र अनुपन्न, प्रत्यय में विचित्रता संभव नहीं, ये क्या सिद्धांत नहीं भाई, अभी तो सिद्धांत नहीं, सिद्धांत अभी नहीं बोलेगा, सिद्धांत अभी दो बातें को लड़ा रहे हैं, बाह्य अस्तित्ववादी और विज्ञानवादी बोलते हो, उनकी लड़ाई को हमारे सामने लगा तो पहले उनका सही रही है, वो अपना सिद्धांत तो नहीं बोलेंगे, तुम लोग उनकी लड़ाई संख्या निश्चय करेंगे, यानी कि बाह्य अस्तित्व रहना संभव नहीं, इसे उत्पत्ति होना संभव है, इसी को लेकर के यहाँ पे बोलते हैं कि अपने अपने ही बोलेंगे कुछ हमारा ये पक्ष है, तुम लोग इसको लेकर के लड़ते रहे तो यानी कि जो लड़ाई का हिसाब जड़ जो है उसको मिटा दो, क्या लड़ाई का जड़ उत्पत्ति, उत्पत्ति है नहीं बस लड़ाई समाप्त, इसी को लेकर के बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कभी 24 में आ रहे हैं, देखो बोलते हैं वस्तुनो वस्तुतो जन्म अजगत अजम विज्ञान मात्रम तत्त्वमिति उक्तम, ठीक है ना, वस्तुओं का पारमार्थिक दृष्टि से जन्म होना संभव नहीं होने के कारण अजम विज्ञान मात्रम तत्त्व जन्म रहित विज्ञान मात्र वस्तु ही तात्विक है, अजब विज्ञान मात्र कौन है, देखो कौन बोल रहे हैं विज्ञानवादी बौद्ध, अजब विज्ञान मात्र तत्व ही पारमार्थिक तत्व इति उक्तम, ऐसा कहा। इदानी बाह्यर्थवादम उत्थापित, इस समय जो है बाहरी विषय को अस्तित्व मानने वाले के पक्ष को उत्थापन करते हैं, बाह्यर्थवाद उत्थापयति, 7 नंबर टिप्पणी में देखिए संक्षेप में बुद्ध सिद्धांत, बुद्ध से ही चत्वार शिष्य, बुद्ध के शिष्य में चार प्रकार के भेद हो गए, बुद्ध के शिष्य में चार प्रकार के भेद, श्रोत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिक आख्या, अपने आप लिख दिया, श्रोत्रांतिक और वैभाषिक हो गया बाहरी वस्तु को अस्तित्व मानते हैं, और योगाचार हो गया आपका विज्ञानवादी, और माध्यम दिन हो गया आपका शून्यवादी, ये चार नाम चार प्रकार के शिष्य हो गए उनके। तत्र प्रत्यक्ष अनुमान वेदतया क्रमश आदौदौ, तत्र श्रोत्रात्मिक बोलते हैं बाहरी वस्तु की प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है, और वैभाषिक बोलते हैं बाहरी वस्तु की अनुमान से ज्ञान होता है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं श्रोत्रात्मिक वैभाषिक योग, तो मगर लिखने पर नहीं, इसी पुस्तक में लिखा है, देखिए ना, हाँ वही तो बोलता है श्रोत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिक आपका तत्व, अब इन चारों में प्रत्यक्ष अनुमान वेदतया, श्रोत्रांतिक बोलता है बाहरी जगत की प्रत्यक्ष होता है, और वैभाषिक बोलता है अनुमान से जाना जाता है, जिस क्रम से वहाँ पे बोला गया यही क्रम से यहाँ पे समझना है,
क्षत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यंती व्याख्या तत्र प्रत्यक्ष अनुमान वेद्यतया क्रमश एक मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण को मानने वाले जो अनुयायी है वो लोग जो है क्रमश ये पहले क्रम से आदौ दो भारी दो अद्दौ दो कौन है क्षत्रांतिक वैभाषिक है अपने अद्दौ दो घटादि बाह्य अर्थम अभ्युपगच्छत घटादि बाहरी विषय है किंतु तभी जाके ज्ञान में वैचित्र होना संभव है तभी जाके संक्लेश होना संभव है सुख दुख होना संभव है। संक्लेश मतलब कष्ट अपनी है धूप है हमसे भिन्न है वो हमको कष्ट देता है तभी जाकर के ऐसा होना संभव है। कोई अन्य वस्तु जिस समय सुख होता है तो हमारी वस्तु है तब जाकर हमें सुख दुख होना संभव इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं बाह्य अर्थवाद बुद्ध से ही चतवार शिष्य बुद्ध के चार शिष्य भी श्रोत्रांतिक वैभाषिक है ना एक सूत्र के आधार पर चलते हैं एक जो है वही मतलब बाहरी वस्तु प्रतीति होते हैं वैभाषिक प्रतीति मात्र होते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि तत्र प्रधान तत्र प्रत्यक्ष अनुमान वेद्यतया प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा बाहरी वस्तु को जाना जाता है इस प्रकार से क्रमश क्रम से आदौ दौ पहला दो सिद्धांत श्रोत्रांतिक और वैभाषिक एक श्रोत्रांतिक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाहरी वस्तु को मानते हैं और वैभाषिक अनुमान के द्वारा बाहरी वस्तु को मानते हैं। श्रोत्रांतिक सूत्र सूत्र में सूत्र से संबंधित रखने वाला श्रोत्रांति और वैभाषिक बाहर भाषी होने के लिए बाहर भाषी कहते हैं यहाँ पे तत्र प्रत्यक्ष अनुमान वेद्यतया क्रमश आदौ दौ ये दोनों पहला दुबादी घटादि बाह्य अर्थम अभ्युपगच्छत घटादि बाहरी विषय विद्यमान है इस प्रकार मानने वाले हैं ये दोनों वादी कौन श्रोत्रांति का वैभाषिक वादी अंत और जो बाहर बात के दो अंत मतलब बात के दो कौन है योगाचार और माध्यम अंत आंतर क्षणिक विज्ञान शून्य एक बोलते हैं दोनों ही अंदर विद्यमान है कौन नहीं हाँ विषय जो है अंदर ही विद्यमान है अंतर क्षणिक विज्ञान शून्यवाद एक जो है आरोपी किसके ऊपर आश्रित है क्षणिक विज्ञान के ऊपर आश्रित है और एक शून्यवादी है और एक शून्य के ऊपर आश्रित मानता है शून्य को कारण मानते हैं एक विज्ञान को कारण मानते हैं और विज्ञान क्षणिक है ऐसा मानते हैं और एक शून्य को ही कारण मानते हैं जो आपका माध्यम विज्ञान अब यहाँ पे बोलते हैं विज्ञान शून्य तत्र आद्योर मतम उत्थापित अब इन चारों में चार हो गया इन चारों में पहला दो की मत को उत्थापन करके बाहरी अन्य दो के द्वारा वो खंडित करेंगे इन दोनों की मत श्रोत्रांतिक वैभाषिक मत को विज्ञानवाद और शून्यवाद के द्वारा खंडन होता है तो आदि वेदांत के बल साक्षी रूप में बैठा है जवाब बस ठीक है तुम्हारा हमारा निश्चय हो गया तुम्हारी लड़ाई से हम निश्चय करते हैं क्या कि लड़ाई की झगड़ा की जड़ उखाड़ के फेंकते उत्तम उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए अभी बोलते हैं कि ठीक है इसको सात नंबर टिप्पणी संक्षेप में बौद्ध दर्शन को थोड़ा समझा दिया हमने टिप्पणी क्या बोलते हैं बुद्ध से ही चतवार शिष्य हाँ जी चतवार का प्रतिपादक क्या है चतुर्थ चतुर्थ ये हुआ कहाँ से आ गया आदेश नहीं वहाँ पे तो एक देखो ना चतवार हुआ ना वहाँ पे चतुर शब्द है आया ना वहाँ पे चतुर तो जस और शस में वासी कष्ट है वहाँ पे चतुर नटियाँ आप एक सूत्र चतुर अनुभम द वहाँ पे अनुभव शब्द का वो तो वसु संस्कृत बोलते द होता है चतुर अनुभव तो वहाँ पे आ होता है आ दिखाई पड़ रहा है ना तो चतवार तो चत तो तू है चतुर है प्रतिपदी तू को वह हो जाता आ और यहाँ पे है रकार तो रकार को अस जुड़ गया चतवार शिष्य चार उसका शिष्य है श्रोत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यम प्रथम बहुवचन शिष्य श्रोत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिक आख्या तत्र प्रत्यक्ष अनुमान वेद्यतया क्रमश आद्य प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा बाहरी प्रपंच को जाना जाता है इस प्रकार से पहला दो वादी मानते हैं और घटादि बाह्य अर्थम अभ्युपगच्छत घटादि बाहरी वस्तु ऐसा है ऐसा मानने वाला अभ्युपगच्छत द्विवचन है मतलब ये दो वादी को लेकर के होता है अभ्युपगच्छत जैसे गच्छति गच्छत गच्छति द्विवचन है
अंतोच और बाहरी पद अंत दो मतलब योगाचार माध्यम से कहते आंतर क्षणिक विज्ञान शून्य है ना एक ठहर ये दोनों बाहरी वस्तु कहाँ पे अंदर है कहाँ पे आश्रित है एक शून्य क्षणिक विज्ञान में आश्रित है और एक शून्य में आश्रित है तत्र आद्यो मत उत्थापति इन चारों में पहले दो की मत को जो बाहरी वस्तु का अस्तित्व मानते हैं बाहरी वस्तु का अस्तित्व मानते हैं उनके मत को पहले उत्थापन करता है इसका अभिप्रेत है वो देखो वाले क्या बोलते हैं यहाँ पे सात नंबर की परिदानी बाह्यार्थवाद उत्थापयति अब श्लोक में आ जाइए प्रज्ञप्तेर्सनिमित्तत्व मन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतंत्रस्तितामतः बोलते हैं कि जो बाहरी अर्थ है ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध ठीक है ना और हमें शब्द का बोध होता है स्पर्श का बोध होता है प्रज्ञाप्ते प्रज्ञाप्ते देखिए अर्थ लिखते हैं शास्त्री शासन शास्त्रादि प्रतीतेर इति अर्थ मतलब बोलने पर शास्त्र शास्त्री बोलने वाला पढ़ाने वाला पढ़ना जो को वस्तु अर्थ को पढ़ने वाला ये सब अलग अलग शास्त्री शासन मतलब शास्त्री मतलब उपदेश करने वाला शासन मतलब उसका उपदेश और जो शास्त्र मतलब जिसका अवलंबन करके उपदेश किया जाता है ये सब जो हम भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं एकदम श्लोक दस श्लोक में न शास्त्र न शास्त्र न शिष्य न शिक्षा न चत्तम न वाहम न चयम प्रपंच स्वरूपावबोधे विकल्पा सहिष्णु तदेको वशिष्ठ शिवकेव रूपम तदेको वशिष्ठ शिवकेव रूपम इसके ऊपर हमारे सिद्धांत लिखा मधुना चल सके इसी को मतलब देखो अपने आप बोल रहे कौन भगवान शंकर इतना शास्त्र लिखा टीका लिखा मतलब भाष्य लिखा तब बोलते ये शास्त्र ना शास्त्र ना शास्त्र भाई शास्त्र भी नहीं है पढ़ाने वाले ना शिष्य ना शिक्षा कोई शिष्य भी नहीं है कि प्रक्रिया भी नहीं है कब स्वरूप अवबोध विकल्प स्वरूप का बोध हो जाने पर कोई विकल्प नहीं है शास्त्र शास्त्र शिक्षा शास्त्र कुछ भी नहीं है यहाँ वो जो स्थिति है वही मेरा पारमार्थिक स्थिति है वही मैं तदेक अवशिष्ट शिव को चैतन्य सत्ता मात्र यहाँ पे बोल रहे हैं इसी प्रकार कि ये जो शब्द स्पर्श रूप स्कंध आदि का जो ज्ञान होता है ना इस विषय को जब आपको अलग अलग विषय का ज्ञान होता है और ज्ञान सामान्य रूप से एक ही प्रकार है ठीक है ना आपको लाइट सामान्य सफेद है परंतु लाइट आपको लाल हरा काला पीला दिखाई दे रहा है इसका यानी कि बाहर कोई कवरिंग है ये मानना पड़ेगा इसी प्रकार ज्ञान सामान्य है परंतु वही घट रूप में पट रूप में मठ रूप में अलग अलग दिखे इसको उसका कुछ लिमिट होना चाहिए इसीलिए बाहरी वस्तु आपको मानना पड़ेगा ये मानना पड़ेगा प्रज्ञप्ति स्वनिमित तत्व शास्त्रीय शासन शास्त्रादि प्रतीति रीति अर्थ प्रतीति होने के कारण वेद अन्यथा द्वयो नाशतः नहीं तो क्या हो जाएगा यदि नहीं मानोगे तो निर्विशेष मानने पर तो क्या हो जाएगा द्वैत का अभाव हो जाएगा फिर व्यवहार ही नहीं रहेगा व्यवहार ही नहीं हो पाएगा अन्यथा दया नष्ट शब्दादि प्रतिदिन के विचित्रता जाए वो हो ही नहीं पाएगा व्यवहार नहीं कर पाओगे इसलिए इसको मानना पड़ेगा केवल इतना ही नहीं आपको अग्नि हाथ में अग्नि का टुकड़ा आने से आपको दहन होता है कि नहीं होता है तो यदि कोई बाहरी वस्तु नहीं होता तो आप किसी प्रकार से सुख और दुख दीजिए संक्लेश उपलब्धि एक संक्लेश और उसको उपलब्धि चकार के तरह जो उपलब्धि क्या होता है सुख और दुख की जो उपलब्धि होता है ना उसका कुछ आपको निमित्त बाहर निमित्त मानना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं मानो कुछ क्लेश को उपलब्धि जो होता है अन्नवादियों के शास्त्रपति वाली द्वैत की सत्ता मान ली गई है परतंत्र अस्तित्व मता मतलब जो दूसरे वाली परतंत्र मतलब दूसरे वाली परंत्र तंत्र मतलब सिद्धांत पर मतलब दूसरे तंत्र मतलब सिद्धांत अथवा उसका जो अस्तित्व वो लोग ने माना इसीलिए हमको मानना चाहिए उपस्थिता मता मतलब ऐसा मान लिया गया है हमें भी वो जो है सही है अब जो कौन बोल रहे देखो
अब विज्ञानवादी बोल तो सौत्रांतिक वैभाषिक को बोल दे तू वेद बाह्य है, अब तू उसके मत उसके तरह क्यों जा रहे हैं, वो लोग परतंत्र है, वो लोग ठीक है, वेद के अनुसार होकर के बोलते हैं, वो लोग बोले कि बाहरी वस्तु का अस्तित्व है, धर्म धर्म करो कर कार्य आदि होगा, इस प्रकार बाहरी वस्तु पर तो जब तुम्हारे यहाँ पे तो कोई भोग है ही नहीं, तो तुम क्यों उसको क्यों मानने जाओ, तुम यदि ऐसा मानोगे तो तुम्हारी परतंत्र तुम परतंत्र हो जाएगा, तुम बौद्धवादी नहीं हो जाओगे, तुम वेदवादी हो जाओगे। ये जो है हमारे उस समय में बोला कि बौद्ध और पूर्व तो ये बोलते हैं कि देखो वो सौत्रांतिक और वैभाषिक ये लोग क्या बोलते हैं तो हमारे ज्ञान में भिन्नता दिखाई पड़ते हैं, घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान कपड़े की ज्ञान बाहर की ज्ञान गति ज्ञान ये बाहरी वस्तु आदि है ऐसा मानना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो व्यवहार जो होता है वह दिखाई दे रहा है, व्यवहार नहीं मान सकते हो। तो दूसरी बात क्या है, संक्लेश संक्लेश मतलब ये जो आपका दहन होता है जलन होता है कोई अच्छा होता है फिर कहीं ठंडा लगता है और उपलब्ध से अनुपलब्धि होती है, इस समय आपको ठंडी का अनुभव हो रहा है, इसके ठंडा नामक कोई वस्तु बाहर है जो शरीर को उपलब्धि हो रहा है, इसलिए चकार के द्वारा इसका फल स्वरूप जो सुख दुख की अनुभूति होती है ये सब परतंत्र स्थितम है। तब ये मतलब ये दूसरे वादी के सिद्धांतों में जो माना है वही हमको मानना चाहिए, अगर इसको दूसरे प्रकार से करेंगे विज्ञानवादी बोल तो सौत्रांतिक वैभाषिक को बोले दे तू तो बौद्ध नहीं रह जाएगा तू मीमांसा हो जाएगा, इसको नहीं मानना चाहिए ऐसा करके। यहाँ पे देखो भाष्यकार के यहाँ बोलेंगे इसके ऊपर तो पर समय हो गया कल देखेंगे इसको। हाँ सेकंड एक नंबर करेंगे कि एक नंबर तो सेकंड 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 है प्रज्ञा वैशाख वेद श्रुत जगनिधे वेदनामन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविजगदशानन्दजनरक्षाभुवेशमुद्रे कारुण्यानुद्धारामृतमृतमगमरये दुर्लभं भूतहेतोर्यस्तम्बुजाभिपुच्छं परमोर्गम्यं पादद्वारे लुनतु वस्मि। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणम् शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरादिति।